अभी जो कुछ टाइम पहले मैंने ट्रेड फेयर का ब्लॉग दिया था आपको, दिल्ली का ट्रेड फेयर का, वो भी यहीं पे लगता है प्रगति मैदान में, और बुक फेयर भी यहीं पे लगता है, दोनों एक ही जगह लगते हैं ये। तो गाइस अभी चलते हैं हॉल नंबर 7 में, चलिए आपको लेके चलते हैं हॉल नंबर 7 में। हॉल नंबर 7 में एंट्री कराते हैं। तो देखिए ये है फोटो पॉइंट, यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक होते हैं। रेस्टिंग हॉल है, रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं तो एंट्री कर रही हूँ, रेस्ट नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। चलिए आपको दिखाते हैं पहले सारा कुछ। साउथ इंडियन फूड खाना है तो डोसा भी अवेलेबल है यहाँ पे। और ये देखिए ये सब है। चाट मिल जाएगी, दिल्ली के चटोरों के लिए चाट मिल जाएगी, चाट भी मिल जाएगी। ये देखिए बर्गर ग्रेवी, ग्रेवी वाले बर्गर। मिल जाएगी आपको चाय, कुल्हड़ वाली चाय मिल जाएगी हॉल नंबर 7 में, स्टार्टिंग में मिल जाएगी चाय, मिल जाएगी नूडल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड लंच पॉइंट भी है, अगर आप खाना खाना चाहेंगे तो खाना भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो कितने की प्लेट है यहाँ पे? 250 की। तो गाइस 250 की प्लेट है यहाँ पे, और इसमें सब्जियाँ क्या क्या है? ये इसमें शाही पनीर है, शाही पनीर है, दाल मखनी है, राजमा। इसमें से अगर आपको कोई चेंज करना है तो कड़ी भी है। अच्छा, मतलब दो सब्जियाँ रहती हैं? तीन सब्जियाँ रहती हैं 250 की प्लेट में। और राइस भी रहते हैं? राइस है, स्वीट है, सलाद अचार है, तीन रोटी है तवे की। तो गाइस 250 में ये आपको दिखा दिया, बता दिया है कि क्या क्या मिलता है अंकल जी ने। तो आप लोग अगर गेट नंबर इसमें आते हैं 7 में हॉल नंबर में, तो यहाँ पे एंट्री में ही है, खाना भी है, लंच की भी है, और चाय वगैरह भी सारी मिल जाएगी। तो आप लोग आ जाइए यहाँ पे। चलिए अब कर लेते हैं एंट्री। थैंक यू जी। तो गाइस ये हॉल नंबर जो 7 है इसमें केवल फूड का ही वो है। मैं अंदर आई, इसमें देखा तो चारों तरफ फूड ही फूड दिखाई दे रहा था। तो हॉल नंबर 7 में केवल खाना ही खाना है और बुक्स नहीं है यहाँ पे। तो चलिए आपको बुक्स वाले हॉल में लेकर चलते हैं। अभी तो यहाँ पे बस फूड दिखाया मैंने आपको, काफ़ी अच्छा है खाना, सभी तरीके का खाना है। भूख लग जाती है आपको तो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं हॉल नंबर 7 में आके। तो गाइस नेट के अलावा भी दुनिया है, वैसे बुक्स की दुनिया है, काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को बुक्स के शौकीन, और काफ़ी रश भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है। और मैं तो अभी निकल के आ गई हूँ उसमें से, अटलांटिक वाली वैसे शॉप में से। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, देखते हैं क्या है। अच्छा, मेरे ख्याल से नहीं, आपके दिल में भी कोई, दिमाग में भी कोई, जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ टिप्पणी है तो आप कर सकते हो। हमारे अंतःकरण में गया तो हमारा अंतःकरण पावन, निर्मल और मौलिक सिद्धांत के अनुसार वह नैष्ठिक हो जाता है। तो गंगा आचमन योर मुक्ति जल ला करके आपको दिया गया, क्योंकि गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा देखने मात्र से मुक्ति देती है। रहता है नहीं नहा पाता है, जो गंगा के तट पे जाता है नहीं नहा पाता है, जो गंगा के माता पिता नया तुम नया ज्ञान है। ज्ञान की याचना करना हो तो बिल्कुल करना चाहिए, ज्ञान की याचना करना हो तो तमस लोक कदम जाना हो।
माँ के रूप में है, गंगा रूप में आपको बताना चाहता हूँ। एक क्षण में, कोरोना का काल था, गंगा का बिल्कुल तट मेरा एक कुंड है वहाँ, गंगा का जिसको मछला कुंड। व्लॉग अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, देखिए मोटिवेशन मिलता है। स्पेशल वीडियो बनाने आती हूँ मैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत एंजॉय कम करती हूँ, वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आप लोग। देखिए बच्चों की ड्राइंग बुक मिल जाएगी यहाँ पे 30 रुपीज़ में है, 30 and 80 इंडियन वो छोड़ चाचा चौधरी का। चलिए दिखाते हैं आपको इसमें, अच्छा तो तुम आई डायमंड बुक्स के नाम से है ये, तो लोकल पवेलियन मान लीजिए आप लोग कहाँ बैठे हैं। चलिए दिखाते हैं इसको, तो की फिक्शन बुक देखिए, ये है सरोदय तंत्र, हिंदी में है सारी बुक्स हमारी, भारतीय पुस्तक। अपनी जन्मभूमि जन्म पत्री स्वयं पढ़े, लाल किताब काफ़ी फेमस है ये वाली, लाल किताब बट मैंने कभी नहीं की खरीदी। अब देखिए यहाँ पे सारी हमारी रिलीजियस बुक भी मिल जाएंगी, केतु खंड बॉलीवुड अभिनेताओं की भी हैं, राज कपूर जी के शोमैन राज कपूर। गाइस अब एग्जिट करते हैं, चलिए अब चलते हैं बाहर। आई होप आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा आपको, जो बुक्स लवर हैं, जो किताबों से प्यार करते हैं उनको पसंद आया होगा, जो प्यार नहीं करते उनको नहीं आया। तो गाइस यहाँ पे है फूड कोर्ट, चलिए दिखाते हैं आप। तो गाइस चलिए फाइनली कुछ यहाँ पे आए हैं, तो खाना बनता ही है, चलिए खा लेते हैं कुछ ना कुछ, तो खा लेते हैं, नहीं करना करने चाहिए ना। हाँ जब तो गाइज मैं ले रही हूँ नूडल्स विद मंचूरियन, देखिए ये है 150 की प्लेट है, चलिए देखते हैं क्वांटिटी कितनी है। तो गाइज फाइनली मैं खा रही हूँ नूडल्स एंड मंचूरियन, और देखिए सीट जो है ना, चेयर और टेबल सारी हाउसफुल पड़ी हुई है, तो चलिए बैठ के खाने का अलग ही मजा है, खा रहे हैं वैसे और लोग भी मिली, चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ इंजॉय करने। वैसे भूख नहीं है मुझे ज़्यादा, लेकिन फिर भी आए हैं तो यहाँ कुछ तो खा के जाना चाहिए ना। मंचूरियन नूडल्स और ये 150 की प्लेट आई है हमें। Thank you.
चलो डांस गाना एंजॉय कराते हैं। और मेरा इवन कर रहा है थोड़ा सा बैठेंगे, चलिए वहाँ एग्जिट। आई होप आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रील्स एंड पेज। और गाइज मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए आप लोग, मनोरमा सौरोत के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पर। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, सी यू अगेन, बाय बाय।